हम लोग करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में कौन कौन से टॉपिक हम डिस्कवर कर इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक है इलास्टिसिटी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इलास्टिसिटी आप पढ़े होंगे, बल्क मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये सारी चीज़ें आप पढ़े होंगे जिसको हम बोलते थे इलास्टिसिटी। सेकेंड, हम फ्लूइड इसमें डिस्कस करेंगे, स्टैटिक और डायनेमिक। ठीक है, और थर्ड कुछ थोड़े से हीट के पार्ट डिस्कस करेंगे, जैसे हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट, ठीक है, कैलोरीमेट्री, इस टाइप के कुछ प्रॉब्लम है उनमें डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। तो ये सारी चीज़ें, ये टॉपिक सब कवर हो जाएंगे। तो चलो, यहाँ से क्या होता है कि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यार। ठीक है, इससे होता तो बहुत आसान क्वेश्चन, आता तो बहुत इजी क्वेश्चन है इससे। ठीक है, बट यहाँ इसमें क्या मतलब, मैं देखा हूँ बच्चों को कंसेप्चुअल क्लियरिटी की कमी होती है, देर इज लेक ऑफ कंसेप्चुअल क्लियरिटी। तो धीरे धीरे देखो मैं कैसे क्वेश्चन कर रहा हूँ और कैसे कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ए वायर ऑफ लेंथ एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इज हैंगिंग फ्रॉम ए फिक्स सपोर्ट। चलो, एक फिक्स सपोर्ट है, यहाँ से एक वायर है, उसकी ज्योमेट्री दी हुई है, लेंथ एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। ठीक है, एरिया, लेंथ एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हैंगिंग फ्रॉम द, किसका मास नहीं दिया, मतलब ये इसके मास में कंसिडर नहीं करूँगा। कहता है कि वेन, ठीक है, व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर चेंज एल वन, व्हेन मास एम इज हैंग फ्रॉम इट सपोर्टिंग। अब इससे मैं एक मास हैंग कराता हूँ, मतलब इससे मैं एक मास लटकाता हूँ। यहाँ पे देखो, अगर मैं इसका मास लटकाया तो इस मास की वजह से, इसमें मास हमने एम अटैच कर दिया, और इस मास की वजह से इसकी लेंथ जो है वो एक्चुअली, लेंथ ध्यान देना एल वन हो गया, वायर लेंथ, लेंथ ऑफ द वायर इज चेंज एल वन, पूरा एल वन हो गया, ये एल वन हो गया। ठीक है, ये नया लेंथ मिला एल वन, मतलब ये वाला जो एक्सटेंडेड है कितना इंक्रीज हुआ, वो एल वन माइनस एल, दैट इज, इसको हम क्या बोलते हैं इधर, डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ में क्या हो गया, डेल्टा एल, दिस इज द चेंज इन लेंथ। क्लियर है? अब पूछा जा रहा है यंग्स मॉडुलस। मैं आपको बता दूं कि इस पे बार बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यंग्स मॉडुलस पे फ्रीक्वेंटली बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। यंग्स मॉडुलस वाई, आप तीन तीन तरह के मॉडुलस पढ़े होंगे, बल्क मॉडुलस, यंग मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो जो यंग्स मॉडुलस ऑफ वाई इज इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपान, स्ट्रेस अपान स्ट्रेन, स्ट्रेस अपान स्ट्रेन, या मोर प्रिसाइज स्ट्रेस। ठीक है, ये वाली जो स्ट्रेस है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट अलोंग द लेंथ, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इस लेंथ के अलोंग डिफॉर्मेशन। ठीक है, और मोर प्रिसाइज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एफ एल ए डेल्टा एल, ये होता है। आप इसको डायरेक्ट याद रखो, ये सब बार बार नहीं करेंगे, आप इसको डायरेक्ट याद रखो, एफ एल ए डेल्टा एल, वाई इज इक्वल टू एफ एल ए डेल्टा एल, डेल्टा एल चेंज इन लेंथ, ये। अब फोर्स क्या है, इस पर फोर्स कितना लगा भैया, इस पर फोर्स वेट एम जी के बराबर लगेगा, इस पर फोर्स कितना लगेगा, तो इस पर जो फोर्स है इस वायर पे, इसके वेट एम जी के बराबर लगेगा, क्योंकि इसका कोई मास दिया नहीं था यार। ठीक है, समझ रहे हो? तो इस पे जो वेट लगेगा दैट इज द एम जी। ठीक है, एम जी, और एक्चुअल लेंथ एल था, और एरिया क्रॉस सेक्शन है डेल्टा एल चेंज इन लेंथ एल वन माइनस एल। ये 2020 का सवाल है, देखो इट्स वेरी वेरी इजी सवाल, इसको मैं बोलता हूँ एक आसान सवाल, एम जी एल एल, मतलब थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है, इसको मैं इजी कैटेगरी में बोलता हूँ, एक्चुअली 2020 में